हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर SM बहुगुणा उत्तराखंडी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ और सेटिंग्स मेरी चलती जा रही हैं। जो जो सामान की ज़रूरत है वो मैं मार्केट से लेके भी आई हूँ, पर ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में पूरा सामान उठा के ले आई हूँ, क्योंकि ऐसा होता ना, घर में तो बहुत सारी चीज़ें याद आती रहती हैं, पर जब हम मार्केट जाते ना तो वहाँ पर दो चार चीज़ें मेरी उड़ जाती दिमाग से। मेरी क्या, काफ़ी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होगी कि घर में तो सारा सामान याद रहता है जाते ही, और ये तो घर ऐसा होता है ना कि हम लिस्ट भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमें, अरे याद तो रहेगा, क्या लिस्ट बनानी है, पर वहाँ जाके फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो जो सामान रह गया है वो भी धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। तो सेटिंग का तो भाई ऐसा है, कहीं भी जाओ उस घर को अगर हम अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे, सजा के रखेंगे, तो दिल कहीं भी लग जाता है। तो ऐसा ही यहाँ भी होने वाला है। तो यहाँ पर मैं मंदिर शिफ्ट कर रही हूँ इस टाइम पर। वैसे तो आपको लग रहा होगा अच्छा खासा तो दीवार पर लगा हुआ है, ये क्यों शिफ्ट कर रही है, तो उसका रीज़न मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि मैं किस वजह से मंदिर शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इस जगह को साफ कर दिया है, तो यहीं पर मैं माता रानी को रखूँगी। जो भी मेरे मंदिर में मूर्ति है, मूर्ति मीन्स वो माता रानी की है, शिव जी की है, कृष्णा जी की है, ज़्यादा मैंने नहीं रखी है क्योंकि छोटा सा मंदिर है, उसमें किस किस को मैं रखूँगी। तो जो मेन थे भगवान जी, मैंने उनको सबको रख लिया है और अब मैं उनको यहाँ पर रख रही हूँ। तो इसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत मतलब चलता फिरता ऐसी होता है ना, चुटकी भर का काम होता है वो हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। और हमें अब काम बहुत बड़ा कब लगता है, हमें काम बहुत बड़ा तब लगता है जब हम उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना। क्योंकि खाना बनाना मुझे ऐसा लगता है, हाँ भाई बाएँ हाथ का खेल है, क्योंकि वो मैं बनाती आ रही हूँ, मुझे आदत है और आता भी है, ठीक है। तो जो मैं अभी काम करूँगी ना, वो मुझे मैंने ना कभी किया है ज़िंदगी में, और आगे अगर मतलब इंटरेस्ट बनता रहा तो हाँ भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, आज तक ऐसा समय कभी आया नहीं तो हमने कभी किया नहीं, तो अब आया है तो अब करेंगे भी भाई। क्योंकि किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ से डर के या फिर उसको वो करके मतलब नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मंदिर को शिफ्ट कर दिया है, माता रानी सब स्थान पर लगा दी है अच्छे से करके। तो इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर, और आज मैं बाहर लगाने वाली हूँ प्याज की पौध। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, एक तो सारांश है और दूसरा कौन है, दूसरा भी आपने फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो दूसरा है मेरे मामा का बेटा। तो वो आ रखा था, मेरा भाई आ रखा था ना, आपको पता ही है शिफ्टिंग के टाइम पर मेरा भाई आ रखा था, तो वो शिफ्टिंग कराने के बाद पूरा जब काम मेरा हो गया था वो कराने के बाद वो चला गया था मामा जी के घर थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि उसका मन था जाने का, काफ़ी सालों से वो आ नहीं पाया था, शादी में आया था, पर वही होता ना शादी ब्याह में तो भाई चलते फिरती चीज़ें होती हैं, आराम से तसल्ली से रहने वाला सुकून नहीं मिलता है ना। तो वो चला गया था मामा जी के घर, तो अब जैसे कि घर जाना था उसको वापस, तो मामा का लड़का उसको छोड़ने के लिए आया था, तो छोड़ने के लिए वो आया था और मैंने ना इसको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई देख, क्योंकि मेरे जो मामा लोग हैं उनकी अच्छी खासी खेती है, तो वहाँ पर वो लोग करते रहते हैं खेती बाड़ी, कुछ कुछ उगाते रहते हैं, तो मतलब उनको भी पता है, उनके बच्चों को भी अच्छी तरीके से पता है कि कैसी चीज़ कहाँ उगाई जाती है, तो इसलिए मैं उसको रोक लिया था। मैंने कहा यार भाई मेरी हेल्प कर दियो, क्योंकि देखो ऐसा है कि मेरे को नहीं आता है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सीख नहीं सकती थी YouTube से देख के, पर जब वो आ रखा था तो उससे मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकती थी। तो सबसे पहले वो मुझे सिखा रहा है लहसुन लगाना, तो लहसुन लगाने के लिए वो देखो कितनी अच्छी तरीके से उसने खोद दिया था। वैसे तो ये क्यारी को मनीष ने पहले ही साफ़ करवा लिया था दो चार दिन पहले ही, तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा लगा कि हाँ साफ़ क्यारी साफ़ हो ही रखी है, तो इसमें मैं लगवा भी लेती हूँ। तो इसने सबसे पहले क्या किया, ऐसे दो दो लाइनें खींची, उसके बाद में लहसुन, मतलब मेरे को तो ये मतलब कहते हैं ना कि खेती बाड़ी का कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसकी हेल्प ली और उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया मुझे। आप लोग भी हंस रहे होंगे ना कि इसको इतना नहीं आता है, इसमें क्या खुश हो रही है, ये मैंने सीख लिया, पर यार जो जब ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ किया ही ना हो ना, तो ऐसे आएगा ही भी कहाँ से कि हाँ भाई इसको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो ये है प्याज की पौध जो कि मनीष शाम को लेके आए थे, और रात भर ही ऐसी रखी रही थी, तो नेक्स्ट डे हम इसको लगा रहे थे। तो लहसुन हमारी लग चुकी थी, दो तीन लाइनें उसने मुझे लगा के दिखाई, उसके बाद में मैंने वो खुद ही लगा दी थी। तो जब क्योंकि जब वो तो कर लेगा, उसको तो आता है वो कर लेगा, पर मुझे मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं अटक गई, मेरी कभी कभी अपने आप में वर्ड्स अटक जाते हैं, जब तक मैं खुद नहीं करके देखूँगी तो मुझे आएगा कहाँ से। तो यहाँ पर लगने के बाद लहसुन, अब लगा रहे हैं हम लोग प्याज की पौध। तो वहाँ और ये देखिए मेरे पेड़ों के हाल, यहाँ मैंने पेड़ उगाए थे, ये वाला ना गाय ने खा लिया, वो आके मैं कहीं जा रखी थी,
और वो वाला भी गाय ने उखाड़ के फेंका हुआ था, ये वाला भी फेंका हुआ था और वो वाला भी फेंका हुआ था, तीनों को गंजा करके ऐसे उखाड़ के फेंका हुआ था, बस ये छूट गया था और वो छूट गया था। तो ये दो तो बेचारे ठीक ठाक लग रहे हैं, ये तो ऐसे उजड़े चमन से लग रहे हैं जैसे बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। और ये देखिए हमारा टमाटर का पौधा, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये वाला तो तब से लेटा ही हुआ है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, मेरे ख्याल से ऐसे ही रहता है। ये टमाटर का पौधा ऐसे रहता है क्या गिरा हुआ? तो ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा, टूटा कैसे बे? और वो खड़ा है, वो देखिए वाला खड़ा है, वो वाला नींबू का पौधा मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लगाया है, वो तो वैसे का वैसा ही है, पीला ही हो रहा है, बल्कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये पीले क्यों हो रहे हैं पौधे? इतनी तो बारिश हो रही है, पानी की कमी क्या, गिल्ली देख मिट्टी कितनी गिल्ली है। अच्छा, तो उसने अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था कि कैसे कैसे करना है। और क्यारियाँ भी देखो उसने कितनी प्यारी प्यारी क्यारियाँ बनाई हैं, तो बहुत मतलब मुझे फर्स्ट टाइम में ही पता चल गया हाँ भाई ऐसे 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 करना है। तो यहाँ पर मतलब मेरा भाई ओम तो उसकी हेल्प कर ही रहा था लगाने में, क्योंकि भाई जरूरत थोड़ी ना कि मुझे ही लगानी है तो मैं ही सीखूंगी, हो सकता है आने वाले टाइम में उसको भी लगानी पड़े, क्योंकि हर काम सीखना चाहिए, देखो कब क्या काम काम आ जाए वो कुछ पता नहीं होता, तो जब टाइम सही समय होता है तभी सीख लेना चाहिए। जैसे कि मैं सीख रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ भी करूँगी, पर ऐसा होता है, इंसान कोई नहीं होता सोचने वाला, जो जो वो करवाता है वो इंसान को करना पड़ता है। ये तो हो गई बहुत बड़ी बड़ी बातें, अब चलिए काम पे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ मतलब 2-3 लाइनें भरी हैं ऐसे प्याज के पौध लगा लगा के, तो उसके बाद थोड़ा सा प्याज का और बच गया था, तो इसने बोला कि चलो दीदी पहले हम धनिया उगा लेते हैं। तो वैसे तो लहसुन का तो चल देखो टाइम चला गया है ना, आप में से काफ़ी लोगों ने लहसुन की पौध लगाई भी होगी, वो बड़ी बड़ी भी हो गई होगी, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ चटनी के पर्पज़ से लगाई है कि चटनी में हरे पत्ते अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा आता है लहसुन का, इसलिए लगाई है। तो यहाँ पर धनिया के लिए उसने क्यारी खोद दी है, मिट्टी ऐसे खोद दी है, और ये है हमारा साबुत धनिया। अब इसको हमने अच्छी तरीके से जैसे पत्थर से या बेलन की हेल्प से आधा आधा कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है इसको, 2 पीसेज में कर लिया है हर एक बीज को, ताकि ज़्यादा हमें धनिया मिल सके। तो ये जो बीच में छोटा सा पार्ट देख रहे हो, इसी में धनिया उगाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर वो चिड़क के दिखा रहा है, तो यहाँ पर वो बोलेगा कि यार दीदी ने सारा काम तो मेरे से करा लिया। भाई ऐसे ही होता है, अब सिखाने वाला वो है तो उसको पहले करके दिखाना पड़ेगा तभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से उसने धनिया को ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ढक दिया। तो सच्ची बताओ, मैंने ना पहले प्याज लगता हुआ देखा था, ना मैंने पहले मतलब धनिया लगता हुआ देखा था, पर ये है कि जब हम वहाँ रहते थे तो वहाँ पर मम्मी जी कभी लगा देते थे, कभी लहसुन लगा देते थे ऐसे ही, तो पर मुझे ऐसे तो गमले में तो ऐसा आता है कि गमले में छेद किया ऐसे डाल दिया, पर क्यारी में तरीके से कैसे लगाना होता है ये मुझे नहीं पता था। तो आज मैंने ये सब भी सीख लिया। और अगर मतलब ऐसा होता है ना, देखो अगर मेहनत करके फल अच्छा मिलता है तो ही आगे मेहनत करने का मतलब वो बनता है, तुक बनता है। तो अगर यहाँ पर मेरी लहसुन धनिया प्याज वगैरह सही हो जाएगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम माली भैया भी रख लें। तो यहाँ पर हाथ से हम इसको ढक रहे हैं, और कहते हैं कि मिट्टी में जितना रहो उतना अच्छा होता है, बच्चे जितना मिट्टी में खेले। वैसे तो हम आजकल क्या करते हैं, अपने बच्चों को मिट्टी में नहीं जाने देते हैं और चीज़ें नहीं करने देते हैं, पर मैंने ये देखा है कि बच्चे जितना मिट्टी में खेलेंगे ना उतना स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्यारियाँ रेडी हो चुकी हैं हमारी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम सेटिंग करेंगे, यार इतनी बड़ी मतलब जगह है तो उसका यूज़ भी करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल कोई सेटिंग नहीं हुई थी हमारी, मतलब जैसे ये कह रहे थे ना कि भैया को बुला करके लगवा लेंगे सब्जियाँ चीज़ें लगवा लेंगे, पर मैंने कहा यार जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम कर लेते हैं। तो हमारा प्याज की पौध का लहसुन वगैरह का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो अभी कैसे कैसे ग्रोथ करेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैं चलती हूँ, लाइक के भी ना मत जाइएगा, बाय बाय।